नमस्कार, शंखनाद आप देख रहे हैं साथ आपके, मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जनता की सांस बचाने के लिए सेना तक इस वक्त जी जान में जुटी है। दिल्ली में संकट काल के बीच लोग जान की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं लेकिन उसी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे टिकैत अपनी खतरनाक और जहरीली राजनीति के साथ किसानों की जिंदगी को भी खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की घेराबंदी करने वाले टिकैत ने अब कोरोना के नाम पर धमकी देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके बिरयानी पार्टी करने वाले टिकैत ने कहा है कि बॉर्डर पर बैठे किसान इंजेक्शन लेंगे लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। इंजेक्शन भी तब लगवाएंगे जब आधे इंजेक्शन पुलिस कर्मी लगवाएंगे, क्योंकि उन्हें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो क्या टिकैत चाहते हैं कि बॉर्डर पर किसान भाइयों की जान खतरे में आ जाए? मुद्दा बनाने का मौका टिकैत को मिल जाए इसी बात पर। लेकिन जी हिंदुस्तान टिकैत की इस राष्ट्रद्रोही साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। जी हिंदुस्तान ने हर बार टिकैत के जहरीले प्लान को एक्सपोज किया है और इस बार भी टिकैत अपने कोरोना वाले मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाले। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोक क्या किसी ने, आंदोलन जीवी टिकैत की कोरोना साजिश। कोरोना फैलाएंगे और खतरा बढ़ाएंगे। जब पूरा देश कोरोना महामारी में एक दूसरे का साथ दे रहा है, पीएम मोदी युद्ध स्तर पर इस जंग में भाग ले रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली बॉर्डर पर एक ऐसा शख्स है जिसके लिए अपनी राजनीति कितनी अहम है कि वो सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने पर आमादा है। ये राकेश टिकैत हैं, जिसके लिए कोरोना महामारी भी सियासी मंसूबा पूरा करने का रास्ता बना है। कोरोना काल में जब दिल्ली NCR मरीजों की बढ़ती तादाद और लगातार मौतों से दहला है, इस आपदा को अवसर की तरह भुनाने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। ये जो गांव में थे वहाँ पर लगवा लिया, और हमने तो यहाँ पर कहा अधिकारियों को कि आप यहाँ पर कैंप लगवाओ और लगवाएंगे। ये रे मैं बताता हूँ, दूसरी वैक्सीन किसानों का लगती नहीं। ये वह लोग यहाँ पे पिछले 8 दिन से वो वैक्सीन की तलाश में है कि लगे कहीं मेरी। ये तो सब कहने की वो है यहीं पे ही हमारे पास में लोग, उनको दूसरी उनको लग नहीं रही जो कह रहे, लगवाओ ना कैंप, यहाँ लगवाएंगे हम, लगवाओ कैंप यहाँ पे। दरअसल टिकैत अपनी फर्जी सियासत चमकाने के चक्कर में किसान भाइयों की जान दांव पर लगा रहे हैं, और बॉर्डर पर किसानों में संक्रमण बढ़ा तो दिल्ली NCR के 2 करोड़ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ होगा। लेकिन बॉर्डर के कैंपों में प्रदर्शनकारियों को जुटाने की जिद ऐसी है कि टिकैत मौत का ये खेल खेलने में कुछ भी करने के लिए तैयार है। हरियाणा के हिसार में टिकैत ने धमकी दी है कि उन्हें छेड़ने की कोशिश की गई तो वो सुताई कर देंगे। कुछ महीने पहले यही टिकैत बक्कल उतारने की धमकी दे रहे थे। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे, अगर ट्रैक्टर को रोक क्या किसी ने। और जब ये नाटक नहीं चला तो रोने का ड्रामा करने लगे और वैक्सीन के नाम पर किसान भाइयों में झूठ फैलाकर टिकैत दोबारा अपनी खोई जमीन तलाशन में लगे हैं। टिकैत साहब, आपको शर्म क्यों नहीं आती? हर जगह जनता ने आपका तंबू खाड़ दिया, बंगाल में भी आपको जनता ने नकार दिया। जहां भी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश की वहां से भगा दिए गए, लेकिन आपकी सियासत का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि उन्हीं किसान भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं जो अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर जमा हो गए थे। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि कोरोना का बहाना लगा के सरकारें खत्म करवा देगी आंदोलन, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। तो जहां किसान मीटिंग करना चाहता है वहां कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देते हैं, लेकिन जहां चुनाव है इनको मीटिंग करनी है तो वहां कोई हवाला नहीं देते। टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना की आड़ में सरकार आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। ये तो गजब की खेला है। कोरोना विस्फोट की जमीन आप तैयार करें, लोगों की जान को दांव पर आप लगाएं और आपकी करनी का ठीकरा सरकार के मत्थे आए, ये साजिश देश भी समझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा।
तो मेरे अलग अलग सहयोगी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए सियासत चीज ही ऐसी होती है, और अभी तो राकेश टिकैत उतरे भी नहीं है सियासत में ठीक ढंग से, किसान भाइयों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। आम आदमी की अगर हम बात करें, उनका सहयोग कभी भी नहीं था राकेश टिकैत के साथ, लेकिन फिर भी अपनी झूठी शान के खातिर वो किसानों की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए, पूरे देश के साथ खिलवाड़ इस वक्त कर रहे हैं राकेश टिकैत। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा से, सुमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के बाहर से, और कोरोना की क्या स्थिति है ये आपको भी हम दिखाएंगे, किसान भी जरूर देख रहे होंगे और राकेश टिकैत की आंखें भी शायद इन तस्वीरों के बाद और मौजूदा हालात जो है उसके बाद खुल सके। अभिषेक आपके पास मैं आ रही हूं, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं शाहीनबाग का आंदोलन नहीं है ये, जो कोरोना के बहाने से हटा दिया जाए, कोरोना का बहाना इस शब्द का इस्तेमाल किया राकेश टिकैत ने, अभी बहाना है क्या कोरोना देश में, किसी को क्या ये समझाने की जरूरत है? जी देखिए, कल से तस्वीरें आने लगी हैं कि कुछ लोग वहां पर बकायदे बिठाए जा रहे हैं, और जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको आने में भी दिक्कत हो रही है फरीदाबाद से। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना जो गाइडलाइन होती है, जो प्रोटोकॉल होती है कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, कि 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइज खुद को करते रहना, ये किसानों के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में अगर वो जगह खाली भी कराई जाती है या किसानों से आग्रह किया जाता है कि वो दूरी बनाकर रहें या फिर अपने घर चले जाएं, तो ये डर है अब राकेश टिकैत के अंदर आ रही है कि कहीं उनका आंदोलन जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, खत्म होने के कगार पर है, वो कहीं बिल्कुल सुपड़ा ही साफ ना हो जाए उसका। और इसीलिए वो बार बार अब कोरोना को ही अब गलत साबित करने में लग गए हैं, सरकार को ही गलत साबित करने में लग गए हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, जबकि इतने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं खाली है, अपने सामने देख रहे हैं लगातार, मैं कैलाश हॉस्पिटल बाहर खड़ा हूँ, इसमें भी बेड्स खाली नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। अभी अभी और इन किसानों के जरिए जो बाकी कोरोना फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सुमित आपके पास में आ रही हूँ, LNJP के बाहर आप खड़े हैं, LNJP में क्या किसानों की नो एंट्री है क्या? वहां किसानों को नहीं मिलता इलाज? देखिए, उससे पहले शालिनी ये तस्वीर देखना बेहद जरूरी होगा, और राकेश टिकैत अगर जी हिंदुस्तान देख रहे होंगे तो ये तस्वीर उनको देख लेनी चाहिए कि 38 साल की एक महिला है जो कि ऑक्सीजन के सहारे एम्बुलेंस में बैठी है और यहाँ एडमिशन तक उन्हें नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल लगातार बेड की कमी का रोना रो रहा है, और लगातार ऐसी तस्वीरें जो हैं वो विचलित कर सकती हैं। शालिनी, अब से थोड़ी देर पहले एक फायर ब्रिगेड का एक अधिकारी यहाँ पहुँचा था और उसकी मौत हो गई कोरोना की वजह से, और दिसंबर में ही उसकी शादी हुई थी। तो ऐसे तरह तरह की जो तस्वीरें हैं जो कि विचलित कर रही है, मन एक तरह से बैठ जा रहा है ऐसी तस्वीर देखने के बाद शालिनी, तो उन तमाम लोगों को भी देख लेना चाहिए, वो चाहे राकेश टिकैत हो या फिर राकेश टिकैत जो गैंग है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, उन्हें ये तस्वीर देखना चाहिए कि अगर आप इस तरह से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स पर बैठ कर दिल्ली को पिछले कई महीनों से आपने बंधक बना रखा है, लेकिन अब जो तस्वीर है खासकर दिल्ली समेत पूरे देश की वो अलग है, क्योंकि लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, लगातार कोरोना के लगातार मामले लाखों में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये हट जो योग कर रहे हैं राकेश टिकैत, इसे समझना चाहिए और इस तस्वीर के जरिए समझना चाहिए कि अब आंदोलन कम से कम खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लगातार देश में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। जो बिल्कुल बिल्कुल, और सुमित देखिए दर्शकों को भी हम ये बताएं, अपने किसान भाइयों को भी हम बताएं कि हम किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम अगर कहीं पर भी चल रहा है तो उस सबकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसान आंदोलन को ही इस वक्त खत्म करने की बात कर रहे हो, अगर कोई पार्टी कोई सियासी दल इस वक्त रैली कर रहा है तो हिंदुस्तान उसकी भी निंदा करता है। और अभिषेक, राकेश टिकैत ने बात की कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर इनको रैली नहीं दिखाई देती, वहां पर इनको कोरोना नहीं दिखाई देता। अभिषेक, अब तो तमाम सियासी दल, अगर बीजेपी से उन्हें खासी दिक्कत है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने भी तो अब अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, तो फिर उसी रास्ते पर खुद भी क्यों नहीं चलते हैं राकेश टिकैत? बिल्कुल, देखिए आज ही बता दूं, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की रैली थी वो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, JP नड्डा की रैली कैंसिल हो चुकी है, यानी कि जो बीजेपी है उसने अपनी रैली कैंसिल कर दी, कम ही नहीं की कैंसिल कर दी, वर्चुअल रैली आज प्रधानमंत्री करेंगे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि अगर राकेश टिकैत कुछ गलत आरोप लगा रहे हैं तो ये किसानों को भी समझ में आएगा कि राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, हर जगह
पर शादियों पर भी रोक है कि आप 25 या 50 लोगों से ज्यादा शादी में शामिल नहीं कर सकते। अगर किसी के अंतिम संस्कार में जाना है तो वहां 20 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। तो थोड़ी है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो है किसानों के लिए ही एक न्यू रूल बना दिया, कोरोना ला दिया कि किसानों के लिए कोरोना है, कोरोना के नाम पे किसानों को हटाया जाएगा। ये तो सबके लिए है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे वो रैली हो, चाहे वो तमाम चीजें हो। सड़कें खाली हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, शमशान भरे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जो इनको सपोर्ट करते हैं वो उनकी बात सुन ले। अरविंद केजरीवाल परेशान है, लगातार हाँ। लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो एक जिद पकड़ करके बैठे हुए हैं क्योंकि नाक का सवाल हो गया है ये राकेश टिकैत का, और यही वजह है कि तमाम किसान भाइयों की जान इस वक्त खतरे में वो डाल करके बैठे हुए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर की अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं, अलग अलग वक्त पर रिपोर्ट और तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरह से किसान भाइयों के बैठे रहने के चलते, राकेश टिकैत के इस आंदोलन के चलते ऑक्सीजन की वैन आगे नहीं बढ़ पा रही है, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों को वो भी मैं बताऊं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अहम खबर, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला ऑक्सीजन को लेकर के ये फैसला सामने आया। जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लाया जाएगा, अगले एक हफ्ते में जर्मनी से प्लांट आने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्मी के कोविड अस्पताल में ये प्लांट लगाए जाएंगे और हर घंटे 2400 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा इससे। ये बड़ी खबर, देश में ऑक्सीजन की किल्लत इस वक्त है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, ना इंडिविजुअल को ऑक्सीजन मिल पा रही है और अस्पतालों में भी स्थिति बेहद खराब है। लेकिन इसी स्थिति को कंट्रोल करने की अब ये कोशिश कि किस तरह से जर्मनी से अब ऑक्सीजन प्लांट ले आया जाएगा। और देखिए, दिल्ली के द्वारका में डीआरडीओ की तरफ से संचालित कोविड अस्पताल के सभी 250 बेड फुल हो चुके हैं। मौके से आपको और ज्यादा जानकारी देते हुए मेरे सहयोगी अभिषेक दुबे दिखाई देंगे, जो कुछ वक्त पहले यहां पहुंचे थे, जायजा स्थिति का उन्होंने लिया था। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं द्वारका में खड़ा हूं और आप पीछे देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल जो टेम्पररी बनाया गया है। 250 बेड्स यहां पर अवेलेबल थे और डीआरडीओ इसका संचालन कर रहा है, लेकिन इस वक्त आप देखिए एडमिशन क्लोज्ड। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है 9 बेड्स अवेलेबल, यानी कि जो 250 बेड्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ओवरलोडेड है, फुल हो चुके हैं। और इसके अलावा 250 और वेंटिलेटर बेड्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू है, अगले 10 से 15 दिन में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये हालात अब कोविड अस्पताल में भी दिखाई दे रहा है, जहां दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे तमाम जो NCR रीजन है वहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। वैसे ही अब यहाँ पर DRDO के सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी कोई बेड अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे बेड्स फुल हो गए हैं। मरीज यहाँ आ रहे हैं, परिजन उनके आ रहे हैं, लेकिन उनको निराश होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि बेड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से और DRDO की तरफ से ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, खाना पीना रहना इलाज ऑक्सीजन बेड सब कुछ फ्री है, लेकिन ओवरलोडेड हो चुका है, इतनी ज़्यादा संख्या में मरीज आ रहे हैं, सारे के सारे बेड्स फुल हैं, एक भी जगह यहाँ पर खाली नहीं है। DRDO फिर भी 250 अलग वेंटिलेटर बेड्स बनाने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है, जब वो बन के तैयार हो जाएंगे अगले 10 दिन के अंदर तभी अगले 250 मरीजों को यहाँ पर जगह मिल पाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर भी सारे बेड्स फुल हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनुज के साथ अभिषेक दुबे, जी मीडिया। अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी, अभिषेक खुद भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हर्षा भी अब जुड़ चुकी है मेरे साथ, सुमित पहले से ही जुड़े हुए थे। अभिषेक आपके पास मैं आ रही हूँ, दर्शकों को मैं ये भी बताऊं, देखिए जी हिंदुस्तान की जो रिपोर्टिंग है मेरे सहयोगियों को आप देख रहे हैं, एक सुबह दिल्ली से लेकर के शाम ग्रेटर नोएडा तक, हरियाणा तक, गुरुग्राम तक, हर जगह की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वजह है कि आपको पता चल सके कहां बेड अवेलेबल है कहां नहीं है, आपको सही दिशा सही राह, अगर आपके घर में भी कोई परेशान है, कोविड पेशेंट है, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी हम दे रहे हैं। अभिषेक, सुबह आप DRDO के हॉस्पिटल में थे, वो तस्वीर आपने दिखाई, अभी आप कैलाश ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं, मुझे ये बताइए DRDO में बेड खत्म हो चुका है, कैलाश की क्या स्थिति है? कैलाश ग्रेटर नोएडा में भी बेड खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर भी बेड अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी किल्लत थी। लेकिन आज मैं जब जो गौतम बुद्ध नगर सदर के जो SDM है जिनके पास यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, जिनके पास आयोनिक्स की जिम्मेदारी है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है गौतम बुद्ध नगर में और खास करके दिल्ली में, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने सिलेंडर से ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन पहुँचाना शुरू कर दिया है। मैक्स गौतम बुद्ध नगर, यथार्थ और कैलाश हॉस्पिटल में, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, कोई यहां पर अनहोनी ना हो सके। लेकिन चाहे
कैलाश 27 की बात कर लूं, चाहे मैक्स की बात कर लूं, चाहे यथार्थ की बात कर लूं, चाहे कोविड हॉस्पिटल 39 की बात कर लूं, चाहे जिम्स की बात कर लूं, ये दोनों जो अस्पताल है वो सरकारी अस्पताल है, कोविड 39 और जिम्स, हर जगह लगभग बेड्स फुल है। हाँ। हर जगह ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति की जा रही है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर भी बेड्स की कमी है। ठीक है लगे अभिषेक, आपने बताया डीआरडीओ किस तरह से 250 और अतिरिक्त बेड्स का इंतजाम करा है। आप तीनों ही बने रहिए मेरे साथ, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो भी दर्शकों को बता दूं, कोरोना के खिलाफ रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है, डॉक्टर्स की कमी चल रही है और उसी को दूर करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले डॉक्टर्स को एक्सटेंशन दिया जाएगा, शॉर्ट सर्विस वाले डॉक्टर्स को दिसंबर तक का एक्सटेंशन। फैसले से सेना में 238 डॉक्टर की संख्या अब बढ़ जाएगी, ये बड़ी खबर। लगातार हेल्थ वर्कर जो है उन्हें भी किस तरह से कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है हम देख रहे हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर्स जो काम पर है वो भी जब कोरोना की वजह से छुट्टी पर जाते हैं तो और तकलीफ बढ़ जाती है। अब 238 डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने वाली है दिसंबर तक का एक्सटेंशन शॉर्ट सर्विस वाले डॉक्टर्स को। हर्षा आपके पास मैं आ रही हूं, देखिए वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो, या फिर अब आप देखिए डॉक्टर्स की कमी, किस तरह से इन सारी चीजों को दूर किया जाए, प्रबंध अब धीमे धीमे हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं शालिनी, प्रबंध करना बेहद जरूरी है क्योंकि कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होनी चाहिए देश को। और देखिए जो डॉक्टर्स का एक्सटेंशन किया गया से एक लाभ मिलेगा, लाभ यह हुआ कि अगर होटल्स, बैंक्वेट्स, खाली जगहों पे, स्कूलों में अगर एक्स्ट्रा कोविड बेड्स बनाते हैं सिलेंडर के साथ, अगर उसको इक्विप करते हैं, स्थायी रूप में स्टैब्लिश करते हैं, तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तमाम चीजों के लिए, एक नर्स की जरूरत पड़ेगी, अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी जो तमाम चीजों की निगरानी करेंगे। लिहाजा इन तमाम डॉक्टर्स का एक्सटेंशन मददगार होगा और कोविड के अस्थायी अस्पतालों को बनाने में और जगहों को बढ़ाने में। शालिनी मैं जीटीवी में सख्त मौजूद हूँ। शालिनी यहाँ पे देखेंगे आप, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि बेड्स अवेलेबल है 1500, 356 है जो कि पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी बचे हैं। शालिनी बाकी तो बचे हैं ना, लेकिन अंदर से मैं होके आई हूँ, स्थिति इतनी भयावह है, स्थिति इतनी विचलित करने वाली है, दुख देने वाली है। स्ट्रेचर पे मरीज लेटा हुआ है, अंदर से मेरे सामने मेरी मौजूदगी में 7 लोगों की मौत हो जाती है और इन सबकी मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बताई जाती है। देखिए यही जीटीबी अस्पताल है जहां पे कल देर रात ऑक्सीजन का टैंकर भिजवाया गया था, शॉर्टेज खत्म होने से पहले भिजवाया गया था। ठीक प्रेशर यहां पे अस्पताल द्वारा मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो जा रही है। व्यक्ति अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंचते ही दम तोड़ देता है। ऐसी तस्वीरें आपको परेशान करेंगी, विचलित करेंगी। हाँ। सोचने पे मजबूर करेंगी। लेकिन बेड्स की संख्या जो अवेलेबल अर्शा दिखाई जा रही है मुझे, आप शॉर्ट में बताइए उतने बेड है क्या अंदर हॉस्पिटल में? उतने बेड शालिनी मौजूद है, उतने बेड मौजूद है, इन्होंने भरे सिर्फ 356 है, लेकिन बाकी बेड्स के लिए मना कर देते, कहते हैं कि बेड्स नहीं है, सारे के सारे बेड्स फुल हो चुके हैं। या तो ये बोर्ड पर संख्या गलत है। हाँ। या तो फिर गुमराह हो रहे हैं, इसी तरह से गुमराह हो रहे हैं जो पेशेंट वहां पहुंचा। अच्छा होंगे आपके पास सुमित, बड़ी खबर है क्या आपके पास कोई? जी बिल्कुल शालिनी, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां रोहिणी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। रोहिणी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, आज रात 11 बजे तक ही ऑक्सीजन बची है। हाईकोर्ट जाने के बाद कल हुई थी ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का स्टॉक फिर खत्म होने के कगार पे हैं। तो देखिए कमोबेश तमाम दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो चाहे प्राइवेट हों या फिर सरकारी हों, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बाहर से ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी के सरोज अस्पताल के अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई करने वाली जो कंपनी है आयोनेक्स, उससे हमारी बात हुई है, लेकिन अभी भी कोई जवाब उधर से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में 11 बजे रात तक ही इस अस्पताल में ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार, अगर दिल्ली के जो तमाम अस्पतालों की बात की जाए शालिनी, किस तरह से ऑक्सीजन की जो किल्लत जो है वो तो हो ही रही है, बेड्स की भी भारी किल्लत है इन तमाम अस्पतालों में। ठीक है ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हर्षा ये बता रही है कि ऑक्सीजन का प्रेशर ही ठीक ढंग से नहीं दिया जा रहा है, मरीज दम तोड़ दे रहे हैं इसी वजह से। हर्षा का मैं रुख कर रही हूँ, हर्षा आपके पास भी शायद कोई बड़ी खबर है इस वक्त की? जी बिल्कुल, देखिए शालिनी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऑक्सीजन को लेकर, केंद्र सर। ठीक है हर्षा की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन को लेकर के केंद्र सरकार ने जवाब अब दिया है, ये बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट से सॉलिसिटर जनरल ने बात कही है,
उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को आदेश अब दे दिए हैं। तुषार मेहता की तरफ से यह बात कोर्ट में बताई गई है। सप्लाई में बाधा नहीं डालने को कहा गया है। तुषार मेहता ने यह बात भी कोर्ट में बताई। राज्यों ने आदेश को गंभीरता से लिया है। ये जो खबरें मिल रही थी कि एक राज्य दूसरे राज्य का सिलेंडर रोक रहा है, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अब कोर्ट में इस बाबत अपना जवाब दिया, स्पष्टीकरण दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम शंखनाद में यहां पर रुक रहे हैं और शंखनाद ब्रेक के उस पार भी जा रही है, देखते रहिए। शंखनाद स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। सुभाष नगर शमशान में बुकिंग बंद कर दी गई है। अहम खबर, शमशान फुल होने की वजह से बुकिंग बंद करनी पड़ी है। कोरोना के यहाँ पर करीब 20 रोजाना शव लाए जा रहे थे। नॉन कोविड पेशेंट्स की अगर हम बात करें, उनके शव करीब 30 हर रोज पहुंच रहे थे। दबाव बढ़ा शमशान के ऊपर और इसी वजह से अब बुकिंग बंद हो गई है। दिल्ली के सुभाष नगर से ही बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। सुभाष नगर में जो शमशान है वहां पर बुकिंग बंद कर दी गई है। हर तरफ हर जगह इंसान परेशान है, लगातार दबाव बढ़ रहा था शमशान पर और यही वजह है बुकिंग बंद कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली के सुभाष नगर शमशान घाट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अब ये जो शमशान घाट है उसमें जगह बची नहीं है। अब नई बुकिंग भी लेना बंद कर दिया गया है, यानी कि ये जो शमशान घाट है वो फुल हो गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एक दिन में 25 से अधिक शव यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके चलते स्थिति जो है वो बस से बदतर होती जा रही है। कमोवेश पूरे दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार मौतों का जो आंकड़ा है, खासकर कोरोना की वजह से, वो बढ़ता ही जा रहा है और पॉजिटिव केसों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में ये मौतों का सिलसिला जो है वो कैसे रुकेगा। ये सवाल जो है वो सरकारों के सामने है। और देखिए, तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो शमशान घाट है वो पूरी तरह से फुल हो गया है। नई बुकिंग नहीं ली जा रही है। आपको बता दें कि नई बुकिंग नहीं ली जा रही है। जहां भी आप देखेंगे चिताएं जल रही हैं, जहां भी आप देखेंगे वो चिताएं जल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां लगातार लोगों को कह दिया गया है कि अब नई बुकिंग जो है वो अब नहीं ली जा सकती है। तो जगह अब बची नहीं है क्योंकि लगातार शव यहां पहुंच रहे हैं। आप देख दूर दूर तक अगर आप तस्वीर देखें तो शमशान घाट में जगह नहीं बची है क्योंकि मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है कोरोना की वजह से। ऐसे में शमशान घाट प्रबंधन ने अब नई बुकिंग लेना जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि 50 से अधिक जो शव हैं यहाँ रोज पहुँच रहे हैं। तो हालात अगर कहा जाए दिल्ली की तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो कह सकते हैं कि सांस रहते या सांस बंद होने के बाद हर जगह जद्दोजहद है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की मिल रही है। दिन ब दिन कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी खबर, बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 37,238 नए मामले कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले भी यही है जो आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया। अभी 273,653 एक्टिव कुल केस है। ये बड़ी खबर, ये अकेले उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, 273,653 एक्टिव मामले। ये अहम खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 37,238 नए मामले सामने आए उत्तर प्रदेश का हाल मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र की स्थिति भी और ज्यादा खराब है उत्तर प्रदेश से ज्यादा। सरफराज मेरे सहयोगी मुंबई में इस वक्त मौजूद है, उनका मैं रुख करती हूं। सरफराज, क्या अब तक मुंबई के अंदर आपने देखा, क्या हाल है? क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, सांस रहते या सांस छूट जाने के बाद इंसान परेशान है। सरफराज, बिल्कुल शालिनी, और मुंबई के हालात बद से बदतर है क्योंकि 67,000 से ज्यादा यहाँ पर मरीज हो गए जो कोरोना संक्रमित हैं। तकरीबन 568 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है, और 6,99,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार की तरफ से मुझे मिला है और 6,99,000 से ज्यादा
एक्टिव केस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के हालात कैसे होंगे। क्योंकि आज मैं सुबह से ही लगातार महाराष्ट्र की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर घूम रहा हूं। मैं धरावी इलाके में गया, जहां पर पिछले साल आपने देखा होगा कि किस तरीके से भयानक तस्वीर वहां पर देखने को मिली, और कमोवेश आज भी वैसी तस्वीर वहां पर है। और शाली, सबसे हैरानी और परेशान करने वाली बात यह है, चूंकि धरावी का जो इलाका बाखूबी जानती है कि घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, चूंकि प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में रहते हैं, और वहां आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। सड़कों पर गाड़ियां उसी तरीके से दौड़ रही है जिस तरीके से आंदोलन में ली है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है, ब्रेक द चैन का वो दावा कर रही थी, अब ब्रेक द चैन किस तरीके का है अंदाजा लगा सकते हैं। कि मैं अगर एक बस स्टैंड के पास खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से ब्रेक द चैन का यहां पर मामला है। तमाम भीड़ यहां पर मौजूद है, आम दिनों की तरह गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि तमाम जो गाड़ियां हैं यहां पर, उन पर तीन तरह के स्टिकर दिए गए हैं, एक लाल, पीला और हरा। लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि वीकेंड का वक्त भी है और ऐसे में लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन जो धरावी इलाके की जो तस्वीरें मैंने अपने दर्शकों को दिखाई और आपने भी देखी होंगी, वो बेहद परेशान करने वाली है। तमाम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहां पर क्रिकेट खेलते नजर आए, तमाम तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है। बिल्कुल, तो सरफराज प्रशासन बात कर रहा है रोकने की कोरोना के, लेकिन जो तस्वीरें और हालात आप बता रहे हैं उससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। ये किसका फेल्योर माना जाए? ना आम आदमी सुनने को तैयार है और ना प्रशासन, इतनी ढिलाई दे दी गई है। जैसा आप बता रहे हैं धारावी में भी मामला वही, और आपके पीछे आती जाती जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार देखकर भी यही लग रहा है सरफराज। बिल्कुल आपने ठीक कहा शालिनी, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, सबसे ज्यादा मौत हुई है, 568 मौतें 24 घंटे में हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि देश के बाकी राज्यों से ज्यादा यहां के हालात बद से बदतर हैं। लेकिन बावजूद इसके ना तो जनता समझने को तैयार है, और सरकार तमाम अटगंडे अपनाती है, तमाम कोशिशें करती है, बयान देती है, लेकिन बावजूद इसके लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मुंबई में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे कमोवेश देश की राजधानी दिल्ली के हाल है, मरने वालों की तादाद में यहां भी इजाफा हो रहा है, ऑक्सीजन की यहां भी कमी है। क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है राज्य सरकार की तरफ से, बता दूं कि 7 यहां पर टैंकर ट्रेन के जरिए विशाखापट्टनम भेजे गए हैं, वहां से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां के हालात कैसे हैं। बसें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बेस की बसें हैं, लगातार यहां से लोग अमूमन इसी तरीके से उतर रहे हैं। लेकिन तमाम जो लोग हैं, चूंकि अभी ऑफिस का जो वक्त है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो खुली हुई है अभी भी, वो लगातार जा रहे हैं। मेट्रो आप मेरे ऊपर देख सकते हैं कि मेट्रो यहां से चल रही है, लेकिन उसमें भी लोगों को कहा गया था कि इमरजेंसी लगाई जाएगी, लेकिन बावजूद इसके तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं कि यहां पर घूम रही है। ये गाड़ियां आप देखेंगे, इसके ऊपर पीला स्टिकर लगा हुआ है, ये जो जरूरी चीजें होती है, जो सामान है, राशन वगैरह की चीजें, उनके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा लाल कलर का जो कलर है, जो डॉक्टर की गाड़ियां हैं उनके ऊपर है, जो पीला कलर है वो मीडिया और तमाम जो दूसरे सर्विसेज है सरकारी, उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन भीड़ अभी भी वैसी की वैसी है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए ये बस स्टैंड की तस्वीर है, आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर कैसा लॉकडाउन है, और क्या इसी तरीके से ब्रेक द चेन होगा महाराष्ट्र में कोरोना। चूंकि मुझे नहीं लगता, तमाम जो गाड़ियां हैं इसी तरीके से चल रही हैं, बाइकें इसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से पहले चलती थी। हाँ, इतना जरूर है कि मुंबई में ट्रैफिक थोड़ा कम जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां पर अमूमन इन दिनों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है सरफराज, तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की, सख्ती करने की भी जरूरत है, लेकिन वो दिखाई दे नहीं रहा है। अनुराग का मैं रुख करती हूँ, ब्रेकिंग सेंटर पे अनुराग इस वक्त मौजूद है। अनुराग, क्या बड़ी खबर? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, देश में ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार तमाम जद्दोजहद कर रही है। भारतीय रेल की मदद से ऑक्सीजन को शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही इंडियन एयरपोर्ट की मदद से ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर ट्रेन रवाना हुई है, जहां सैकड़ों टन ऑक्सीजन लेकर यह ट्रेन रवाना हुई है। ये उम्मीद की ट्रेन कही जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स भी दरअसल लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश में है, एयरफोर्स के विमानों से ऑक्सीजन सप्लाई लगातार की जा रही है, यानी कि वो तमाम माध्यम जिससे कि व्यापक स्तर पर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जा सकते हैं, उसका सहारा लिया जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है जिससे कि ये जो ऑक्सीजन की कमी है, किल्लत है, इसे दूर किया जा सके ट्रेन के माध्यम से भी, क्योंकि बोकारो से ट्रेन जो है वो ऑक्सीजन लेकर रवाना हो गई है। इसके अलावा फ्लाइट के माध्यम से या फिर हवाई जहाज के माध्यम से भी लगातार इस संजीवनी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में व्यापक स्तर पर ये जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। क्योंकि ये जो माध्यम है जिनके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये उम्मीदें लोगों की बढ़ा रही है। इन उम्मीदों से लोगों में भी काफी ज्यादा आस है कि जो ऑक्सीजन की कमी है
जिसको लेकर उनके परिजन या फिर मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है परेशानी के साथ, वो कम से कम अब कम हो जाएगी। मुंबई से हमारे सहयोगी सरफराज भी जुड़े हुए हैं। सरफराज, आप जैसा कि जानकारी भी दे रहे थे कि मुंबई में भी ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर भी तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन व्यापक पैमाने पर लोगों को मिल पाए, अभी तक वहां क्या कोशिशें नजर आ रही हैं? देखिए, कोशिश अनुराग यह है कि जिस तरीके से मैंने बताया अभी कि यहां से 7 टैंकर ट्रेन के जरिए बकायदा विशाखापट्टनम भेजे गए हैं, वहां से वो ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में या महाराष्ट्र के अस्पतालों में भेजा जाएगा, सप्लाई की जाएगी। क्योंकि कमोवेश जो हाल देश की राजधानी दिल्ली का है या दूसरे राज्यों का है, उससे हालात सेम यहां के भी हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कितना है, क्योंकि यहां पर लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है कागजों में, लेकिन सड़कों पर लॉकडाउन कैसा है वो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों के हालात सब जगह के कमोवेश ऐसी हैं, क्योंकि लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक बयान यहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन राकेश टापे, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 13 लोग रात मरे थे उनको लेकर कहा था ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, कि ये नेशनल न्यूज नहीं है। तो बेहद शर्मनाक बयान दिया। आप सोचिए कि सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं, ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक तो लोगों की हिफाजत करने से गए, जबकि मुझे जानकारी है कि टापे साहब के परिवार में पिछले कई लोग कोरोना ग्रसित हो गए थे, किस तरीके से वो परेशान थे सब जानते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार शख्स होकर, एक जिम्मेदार नागरिक होकर, एक जिम्मेदार मंत्री होने के बाद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इससे लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी और गुस्सा भी होता है। बिल्कुल सरफराज, लौटेंगे आपके पास। जरा उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, लखनऊ की क्या स्थिति है, वो भी हम जान लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल राजधानी लखनऊ के ही हैं। तुषार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, अभी क्या स्थिति लखनऊ की? उत्तर प्रदेश में भी अगर हाल बात करें तो बहुत ही यहाँ का हाल बेहाल है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। कई अस्पतालों में चस्पा कर दिया गया है कि ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों को अपने अपनी जगहों पर शिफ्ट किया जाए, बेड नहीं मिल रहा है, तमाम जगहों पर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। आज ही बोकारो से ट्रेन निकल चुकी है जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जल्दी से जल्दी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचे लखनऊ और यहीं से सप्लाई किया जाएगा। पहले उस जो बोकारो से ऑक्सीजन की जो एक्सप्रेस आ रही है वो पहले बनारस में सप्लाई किया जाएगा, उसके बाद फिर लखनऊ में लाया जाएगा। यानी कि कल मैक्सिमम सुबह से लेकर दोपहर तक वो ट्रेन लखनऊ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हाल की बात करें तो यहां पे लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे अहमदाबाद से, चूंकि बड़ी खबर मिल रही है, आपको रोक रही हूं। 900 बेड के अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर किया गया है। गृह मंत्री ने धनवंतरी अस्पताल का उद्घाटन यहां पर किया है। डीआरडीओ ने 900 बेड का अस्पताल बनाया है। ये बताया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में कोविड मरीजों की यहाँ पर भर्ती शुरू हो जाएगी, इलाज मिलना उन्हें शुरू हो जाएगा। तो 900 बेड का ये धनवंतरी अस्पताल डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया, गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। अहमदाबाद के लोगों के लिए जरूर राहत भरी खबर है, 900 बेड का अस्पताल। और डीआरडीओ में हम देखते हैं आप दिल्ली में भी, क्योंकि हमने देखा कि धीमे धीमे बेड्स की संख्या आगे बढ़ाई गई। आज भी दिल्ली की स्थिति हमने आपको यही बताया कि कोशिश डीआरडीओ की यही है कि 250 बेड और बढ़ा दिया जाए। अभी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, डीआरडीओ का 900 बेड का अस्पताल जिसका उद्घाटन करने अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको मास्क लगाए हुए यहां पर तमाम लोग दिखाई दे जाएंगे। अहमदाबाद के लिए जाहिर सी बात है ये राहत भरी खबर है। अस्पताल के अंदर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, धनवंतरी अस्पताल 900 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक कोविड पेशेंट के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सभी उपलब्ध हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और अमित शाह को इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, धनवंतरी अस्पताल है ये, डीआरडीओ ने बनाया है, 900 बेड इसकी क्षमता है। अब 900 कोविड पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि अब से 1 या 2 दिन में यहाँ पर कोविड मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी और इलाज मिलना उन्हें शुरू हो जाएगा। फिलहाल अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ऐसे ही अस्पतालों की जरूरत इस वक्त पूरे देश में है। डीआरडीओ जरूर आगे बढ़ेगा और दिल्ली और अहमदाबाद जैसे कुछ और शहर होंगे आगे आने वाले वक्त में, मुझे लगता है जहां बहुत जल्द ये पहल की जरूरत है। और डीआरडीओ की तरफ से आगे ये कोशिश भी जारी रहेगी। अहमदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये हौसले वाली तस्वीर है, ये आपका सब्र बांध के रखने वाली तस्वीर है। और राहत थोड़ी देर से ही सही पर हर किसी तक पहुंच रही है,
कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी यही इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद, और आगे आने वाले वक्त में ठीक इसी ढंग से बाकी जो जगह है वहां पर भी ऐसे ही इलाज मुहैया हो सके। दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको मैं बताऊं, ऑक्सीजन की भारी कमी दिल्ली के अंदर है और लोगों को जहां से भी राहत की किरण नजर आ रही है वहीं पर बस आस में वो लोग पहुंच जा रहे हैं। मोतीनगर में भी एक फैक्ट्री है जहां से ऑक्सीजन मिलने की सूचना जब लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में यहां ऑक्सीजन लेने के लिए लोग पहुंच गए। खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के आप यहां पहुंचे और ऑक्सीजन फुल करके उस सिलेंडर में दी जा रही है। फैक्ट्री के बाहर किस तरह की लंबी लाइन है, जायजा लिया मेरे सहयोगी सुमित कुमार ने। इस वक्त हम दिल्ली के मोतीनगर इलाके में मौजूद हैं और यहां आप देख सकते हैं कि शंकर गैसेस नाम की एक छोटी सी एजेंसी है जो कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। जितने में उसने खरीदा है उतनी ही लागत में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रही है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन का लगातार संकट गहरा रहा है, जिसके चलते ये देखिए ये जितनी भी आपको सिलेंडर नजर आएंगी उतनी ही जिंदगियाँ जो है वो बचाने की कवायद है। और 8 लीटर ऑक्सीजन एक शख्स को यहाँ दिया जा रहा है 200 रुपये में। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम शाहपुरा से आए हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं, 9 बजे से घूम रहे हैं। कभी मायापुरी जाते हैं, कभी सुभाष नगर गए हैं, जहाँ जहाँ पता लगता है वहीं जाते हैं, जहाँ जाते हैं जी खत्म हो गई है। अब आगे भी यही हाल हो रहा है, भरे जा रहे हैं सिलेंडर ब्लैक में, दूसरी जगह भरे जा रहे हैं, हमारे को नंबर ही नहीं आ रहा हमारा। आपके बीमार कौन है? कौन शख्स? मेरे हस्बैंड बीमार है। बीमार है, कोरोना है उनको? नहीं कोरोना नहीं है उनको, अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़े दोनों उनके खराब है। एडमिट है वो? एडमिट है कहीं? नहीं एडमिट नहीं, एडमिट थे। अब एडमिट नहीं हो पा रहे? एडमिट थे, उन्होंने कोरोना के करके उनको हमें रेफर कर दिया, कभी कहीं रेफर कर रहे हैं, कभी रेफर कर रहे हैं, उनको सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है। ये जितने भी सिलेंडर है ये सरकार के मुंह पे तमाचा है कि जो सरकार को करनी चाहिए थी वो एक छोटी एजेंसी यहाँ वो काम कर रही है। हालांकि पैसे लिए जा रहे हैं, जितने में उनका लागत है उतने में ही ये ऑक्सीजन को बेच रहे हैं, इनका दावा है। तो राहत भरी खबर कई जगहों से आ रही है, सरकार की तरफ से भी, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से भी, राज्य सरकारों की भी तरफ से। हालांकि ये जरूर है कि ये राहत भरी खबरें जो है मौजूदा स्थिति को देखते हुए नाकाफी है, पर उम्मीद की एक किरण जरूर बांधती है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार देश को जवाब दो। जाग उठे गद्दार, करो आखिरी प्रहार, तोड़ी जीवन की डोर, गद्दार ऑक्सीजन चोर, मौत के व्यापारी ये काले कारोबारी, ऑक्सीजन के लुटेरे देश के गद्दार, देश को जवाब दो। देखिए 5:54 पर सिर्फ जी हिंदुस्तान पर।